आपका स्वागत है। ये बात करते हैं देश दुनिया की 20 बड़ी खबरों की। पीएम मोदी ने दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय कृषि जैव विविधता सम्मेलन का किया उद्घाटन, जहां 60 देशों के 900 प्रतिनिधि संसाधनों के संरक्षण पर विचार विमर्श करेंगे। ये सम्मेलन 6 से 9 नवंबर के बीच इंडियन सोसाइटी ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज द्वारा किया गया आयोजित। पाकिस्तानी सेना ने जम्मू के पुंछ जिले की कृष्णा घाटी LOC स्थित भारतीय चौकियों पर एक बार फिर दागी गोलियां, जिसमें एक भारतीय जवान हुआ शहीद। एक रिपोर्ट में हुआ खुलासा, जम्मू कश्मीर में अभी भी 250 से 300 आतंकी है सक्रिय। वहीं जम्मू कश्मीर के महानिदेशक राजेंद्र कुमार ने सीमा पर जारी घुसपैठ पर चिंता जताई। बिहार पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने RJD सुप्रीमो लालू यादव पर कसा तंज, कहा लालू को संविधान, लोकतंत्र और लोकलाज की बात करने से पहले खुद अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। समाजवादी पार्टी के रजत जयंती समारोह उत्सव में दिखी लाखों लोगों की भीड़, वहीं पूर्व प्रधानमंत्री देवगौड़ा अजीत सिंह सहित कई नेता इस समारोह में हुए शामिल। साथ ही बाद में रजत जयंती समारोह चाचा भतीजे के बीच सुलह कराने की पंचायत में तब्दील हो गया। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले से करीब 3 किलोमीटर दूर बंद्रावड़ी के पास एक बस व्यास नदी में गिरी, जिसमें 17 लोगों की मौत जबकि 28 अन्य लोग घायल हो गए। सरकार ने बस हादसे की जांच के दिए आदेश। यूपी में SP और कांग्रेस के मिलन को झटका, प्रशांत किशोर से मिलने से अखिलेश का इनकार। दिल्ली में प्रदूषण और हुआ बदतर, अब तक का सबसे ज्यादा प्रदूषण स्तर किया गया रिकॉर्ड। साथ ही कई जगह ज्यादा प्रदूषण बढ़ने से प्रदूषण मीटर भी टूटा। दिल्ली में पॉल्यूशन लेवल नॉर्मल से 15 गुना तक बढ़ा, दूसरी ओर पॉल्यूशन से निपटने में नाकाम रहने पर सरकार के खिलाफ लोग जंतर मंतर पर कर रहे हैं प्रदर्शन। उनका कहना है कि दिल्ली में इमरजेंसी जैसे हालात हैं और नेताओं के पास हमारी बात सुनने का नहीं है वक्त। दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के विधायक ऋतुराज गोविंद को पुलिस ने उन्हें धारा 144 के उल्लंघन मामले में किया गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक किराड़ी के निठारी गाँव स्थित तालाब में इस बार छठ पूजा की नहीं दी थी अनुमति। दिल्ली के सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम के सामने NSUI हॉस्टल में हुई फायरिंग, गोली लगने से 3 लोग घायल। सूचना के आधार पर दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों को एम्स ट्रॉमा सेंटर में करवाया गया भर्ती। दिल्ली के MIT यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहने वाले छात्र ने फांसी लगाकर की खुदकुशी, मृतक मैनेजमेंट का छात्र था। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज जाँच शुरू कर दी है। NDTV इंडिया चैनल पर एक दिन के बैन की कार्रवाई के बाद अब सरकार की तरफ से न्यूज टाइम असम चैनल को एक दिन के लिए और कियर वर्ड चैनल को 7 दिन के लिए बंद रखने के आदेश किए जारी। अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव इस बार बना काफी रोमांचक, चुनाव में भारतीय मूल के मतदाताओं को लुभाने के लिए मंदिर में खास आरती का किया गया आयोजन। अमेरिकी राष्ट्रपति पद के रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की सभा में हुआ हंगामा, किसी ने अपने पास बंदूक होने की बात कही, इसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई और एक शख्स को हिरासत में ले लिया गया। जमैका के पब में एक बंदूकधारी ने 4 लोगों पर चलाई गोलियां, जिसमें से 3 की हुई मौत जबकि एक गंभीर रूप से हुआ घायल। सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दामों में फिर से की बढ़ोतरी, उन्होंने पेट्रोल की कीमतें 89 पैसे प्रति लीटर बढ़ा दी है। सितंबर से कीमतों में ये छठी बार वृद्धि हुई है। ईशांत शर्मा के बाद अब सिक्सर किंग युवराज सिंह भी इसी महीने शादी के बंधन में बंधे जा रहे हैं, सामने आया उनकी शादी का कार्ड। बेंगलुरु की अभिनेत्री काजल अग्रवाल ने कहा अगर फिल्म बाहुबली 3 कभी बनती है और उस निर्देशक SS राजामौली उन्हें काम करने का मौका दे तो उसमें अभिनय करने के लिए सभी जरूरी काम छोड़ देंगी। एक निजी चैनल TV शो यारों की बारात में अजय देवगन, संजय दत्त और अभिषेक बच्चन करेंगे शिरकत। वहीं यारों की बारात को निर्देशक साजिद खान और एक्टर रितेश देशमुख कर रहे हैं होस्ट। आज के लिए 20 बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए A1 न्यूज।